हैं तो जितना भी छोड़ा निकाल कर फ्रीजर में डालती है तो उससे फिर अंत में मक्खी के तरह फल देता है, तो जो मक्खी के तरह निकाल के फल देती है फेंक देते हैं तो वो कौन सा ऐसा उसमें हो जाता है, कौन सी समस्या में हो जाता है, बाबू बेसिक में हो जाता है या एडवांस में हो जाता है? जो बेसिक में जड़ें स्थापन हो रही है नई दुनिया की, पुरानी दुनिया की भी, और उन जड़ों के बीज कहाँ हैं? एडवांस में। जब तक बाप सामने है, और बेसिक में भी जब तक माँ सामने थी तब तक तो ऐसा देखने में नहीं आया। दुनिया में भी देखा जाता है, जब तक धर्म पिताएं मौजूद रहते हैं तब तक सत्वपठान स्टेज होती है उस धर्म की, या रजोपठान तमोपठान स्टेज होती है। तो चाहे एडवांस हो और चाहे बेसिक हो, अगर वो स्थिति आती है, चाहे बेसिक में आती है चाहे एडवांस में आती है, कि जिनसे सेवा ली उनको बाद में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो सौ गुना पाप का बोझ चढ़ेगा, बजाय पाप उतरने के क्या होगा रिजल्ट, और ही पाप के बोझ से आत्मा दब जाएगी। पाप आत्मा बनेगी या पुण्य आत्मा बनेंगे? राक्षसी आत्मा बनेंगे। राक्षस का चेहरा संसार में और शास्त्रों में, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में राक्षसी चेहरा प्रत्यक्ष होगा या देवताई चेहरा प्रत्यक्ष किया जाएगा? ये चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं। सबका चेहरा प्रत्यक्ष होगा बोला है, पीछे जाकर जिसका कर्म करेगा उसी चेहरा प्रत्यक्ष होगा। राकेश जिसका कर्म करेगा उसी चेहरा प्रत्यक्ष होगा। राक्षसी कर्म करेगा तो राक्षसी चेहरा होगा, देवता ही कर्म करने से देवता ही चेहरा होगा, लेकिन स्वर्ग में तो यही चेहरा यही होगा ना? तो लेकिन स्वर्ग के बाद नरक आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे हाँ ना तो बोल। नर्क का बाद स्वर्ग आएगा, स्वर्ग का बाद नर्क, स्वर्ग के बाद नर्क नहीं आएगा? आएगा आएगा, तो वहाँ चेहरा नहीं बनेगा। अरे 63 जन्म चेहरे बनते हैं कि नहीं बनते? तो काहे का चेहरा बनेगा है? राक्षसी चेहरा बनेगा। स्वर्ग में भी अगर वो आत्मा मान लो खुदा न खास्ता आती है तो कम कलाओं वाला देवता बनेगी या 16 कला संपूर्ण देवता बनेगी? कम कलाओं वाला देवता बनेगी। कम पढ़ाई पढ़ी है इसलिए कम कलाओं वाला देवता बनेगी, कम जन्म लेने वाला देवता बनेगी, देवात्मा बनेगी। और द्वापर कलयुग आने तक भारतवासियों को धोखा दे करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो राक्षसी चेहरा हुआ ये देवता ही चेहरा हुआ? जैसे राक्षसी चेहरा हुआ, धोखा देना, छल कपट छल छिद्र करना, अंदर से एक और बाहर से दूसरा बन जाना, ऐसे ब्राह्मण परिवार में बहुत है। संगमयुग में भी ये प्रत्यक्ष होने हैं। क्या सारी मूर्तियां जो मंदिरों में बनती हैं, जो चित्र बनते हैं, वो कहाँ की यादगार बनते हैं? यादगार बन रहे। तो ये सारे चेहरे यहाँ तैयार हो रहे हैं, ऐसे नहीं सत्य त्रेता में ही देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? अभी संगम युग में ही ये चेहरे तैयार हो रहे हैं और सब वो चेहरे देखेंगे, देखने में भी आवेंगे, समझने में भी आवेंगे। छू छू थैया भी होगी, उनकी हाहाकार भी होगी, और फिर देवताई चेहरा बनाने वालों की जय जयकार भी होगी। हाँ
एक मुरली में मिला है कि जम्मू काश्मीर पर पाकिस्तान अमेरिका के बीच विद्रोह होगा। अच्छा, बेहतर आपसे जो सिरमौर है काश्मीर क्या है, भारत का ऐसा हिस्सा है जहाँ फूलों की घाटी है, काटों की घाटी है, फूलों की घाटी है। तो फूलों की घाटी के ऊपर सबकी नजर रहनी चाहिए है, नहीं रहनी चाहिए कि नजर तो होगी, ये हिस्सा हमको मिल जाए। तो जो सबकी नजर है वो गलत नहीं है, सब चाहते हैं कि अच्छी चीज हमारे हक में आ जाए। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और अमेरिका का युद्ध ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब इसके राज पता नहीं हुआ। हाँ, देश के राज पता नहीं हुआ, यही बात है ना कि जिसे बाबा ने ब्राह्मणों की दुनिया में नाम दिया है गुले गुलजार। गुल माने फूल, फूलों का बगीचा जो बना दे तो उसका नाम हुआ गुले गुलजार। ब्रह्मा वाली आत्मा इतने ब्राह्मण परिवार के बीच में उसके ऊपर फिदा हुई, अभी भी इसके ऊपर फिदा होकर आ रही है, गुलजार के ऊपर फिदा होकर के आ रही है। वो है छोटा बाबा, छोटा बाबा है तो बड़ा बाबा भी तो होगा, है, होगा या नहीं होगा? बड़ा बाबा भी है। अभी अभी मुरली में नाम लिया कि ऐसे ऐसे किसने समझाया अच्छे से, अच्छे तरीके से, वो समझाने वाली का नाम क्या दिया? ऊषा। जब सूर्य निकलता है ना तो पहले पहले सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य का उदय नहीं होता है, क्या निकलती है? ऊषा निकलती है, लाल 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 लाल। ऐसे ही जब नई दुनिया आने वाली होगी उस समय लाल लाल जीव लपलपाती हुई कौन दिखाई देगी सबसे पहले? है महाकाली, जो महाकाली का जो रूप है उसके सामने कोई भी असुर टिक सकेगा क्या? कोई भी असुर नहीं टिकेगा। उसका माना महाकाली, महाकाली कौन बनती है? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा है, वो सारे जगत की जो माँ है उसकी गोदी में सब धर्मों ने पालना ली होगी या नहीं ली होगी? ली होगी। है, जगत अम्बा है तो उसकी गोद में सब पलते हैं या नहीं पलते हैं? पलते हैं, सब पलते हैं। तो वो शहर कौन सा है दुनिया का? एक ही शहर है जिसमें सब धर्म वालों ने राज्य किया है, उस गोद में सब धर्म के बच्चों ने राज्य किया है। एक ही शहर है जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन है, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। तो राजधानी सुधर गई तो समझो सारी दुनिया सुधर गई। तो ये दिल्ली के ऊपर सारा की नजर है। अब देखवाणी ने बोला क्या, वो बेहद की गुलजार है, दिल्ली के लिए बोला है खास, दिल्ली पहले कब्रस्तान फिर दिल्ली परिस्थान बनेगी, ज्ञान परियों का स्थान बनेगी, ज्ञान योग से पंखों से उड़ने वाली परियां
वहां चारों तरफ लहलहाएंगी। तो वो भारत का कौन सा हिस्सा हुआ है? काश्मीर कहते हैं ना, काश में राजा होता, काश में राजा होता। मीर माने क्या है? नहीं, मीर माने शाहजादा, मीर माने शाहजादा। और शाहजादा भी होता है कि मीरा भी होती है, हैं? शाहजादी मीरा को कहा जाता है। तो वो रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है। तो कुमार हुआ आत्मिक दृष्टि से या कुमारी हुआ? कुमार हुआ, इसलिए काश्मीर नाम है। वहां फूलों की घाटी पनपती है। क्या? वो फूलों की घाटी को सब पसंद करते हैं। तो आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है स्थूल दुनिया में, वो ब्राह्मणों की दुनिया में जो होने वाला है या जो हुआ है उसी का प्रतिरूप होना चाहिए या कुछ दूसरा होना चाहिए? प्रतिरूप हो रहा है। और बाबा अव्यक्त वाणी में बोला है एक हाथ से ताली बजाओ। हाँ, एक हाथ है ताली बजाओ। ये हाथ है, ये हाथ है ना। ताली दो हाथों से बजती है कि एक हाथ से बजती है? दो हाथों से बजती है। और दो हाथों में एक होना चाहिए राइट हैंड और एक होना चाहिए लेफ्ट हैंड। हाथ स्थूल हाथ के लिए बोला गया है या कोई बेहद का चैतन्य हाथ की बात है? चैतन्य हाथ की, बुद्ध रूपी हाथ की बात है। वो चैतन्य बुद्ध रूपी हाथ राइटियस होगा या लेफ्टियस भी होगा जिसे ताली बजाना है? लेफ्टियस भी होगा है। बस ताली अगर बजनी है तो दोनों से ही बजेगी या एक से बजेगी? दोनों से बजेगी। तो एक हाथ की ताली बजाओ का मतलब जो निराकार सुप्रीम सोल है वो आकर के जो भी वाचा बोलता है वो साकार के द्वारा बोलेगा या बिना साकार के बोलेगा? साकार के द्वारा बोलेगा। लेकिन उस साकार में लेफ्टिस्ट हैंड भी होना चाहिए और राइटियस हैंड भी होना चाहिए। वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा जो भी कर्म किए जो भी वाचा बोली वो राइटियस बोली उस मुख से या लेफ्टिस्ट बोली? है लेफ्टिस्ट बोली। ब्रह्मा ने जो कर्म किए हैं कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। तो कर्मों के हिसाब से तो ब्रह्मा ने राइटियस कर्म ही की। कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में ये अनुभव किया हो कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया है। कोई कोई कहता है कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि से वाचा से कर्मेंद्रियों से थप्पड़ मारा हमको रुलाया? कोई नहीं कह सकता। तो वो राइट हैंड हुआ लेकिन वो तो शरीर छोड़ गया। अभी वो आत्मा है या नहीं है? है अभी भी। वो आत्मा अंत तक संसार में प्रत्यक्ष होगी तो अधर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष होगी या धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष होगी? फिर भी धर्म का राजा ही होगी। तो राइटियस हुई या लेफ्टियस हुई? मेरा राइट हैंड
धर्मराज है, राइट हैंड है ना, तो वो हुआ राइट हैंड। और लेफ्ट हैंड कौन हुआ? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में लेफ्ट हैंड कौन है? शंकर क्या है? लेफ्ट हैंड। शंकर के लिए क्या बोला है? शंकर का पार्ट ऐसा विचित्र पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, अड़बंगा पार्ट है। राइटियस है या अनराइटियस है, तुम्हारी बुद्धि में भी समझ में नहीं आता। इसलिए घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, उस पार्ट धारी के ऊपर घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होते रहते। तो डबल हाथ है बुद्धि रूपी या सिंगल हाथ है? हैं तो डबल बुद्धि रूपी हाथ। लेकिन शरीर एक है या दो शरीर है? शरीर तो एक है, तो इसलिए एक हाथ की ताली बजाओ। माने जब भी कोई वाचा बोलनी है, कर्मणा करनी है या संकल्प कराना है तो बाप के साथ टैली करो, बाप के हाथ से हाथ मिलाकर देखो कि बाप पसंद करेगा या नहीं करेगा। बाप पसंद करेगा तो संकल्प चलाओ, बाप पसंद करे तो दृष्टि मिलाओ, बाप पसंद करे तो कर्मेंद्रियों से कर्म करो, और बाप पसंद न करे नहीं करो। एक हाथ की ताली हुई कि नहीं? और एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज जब दोनों मिले तो बिना सोम मुनि आया था। अभी जो स्टेज है अमृत वेले की क्या हाल है? अमृत वेला जो पुरुषार्थ बाप ने बताया है, वो अमृत वेले का पुरुषार्थ एडवांस पुरुषार्थ आपको दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है या वो एडवांस नहीं है? एडवांस है। हम जो बात पूछ रहे हैं तो बताओ, है पुरुषार्थ कैसा लग रहा है? एडवांस है। अमृत वेला एडवांस पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमृत वेला सुधर रहा है या खराब हो रहा है? जैसा चाहते वैसा नहीं हो रहा है, है? कभी कभी मोस्टली खराब होता है। तो किस लिस्ट में कहेंगे? एडवांस कहेंगे कि नॉन एडवांस कहेंगे? नॉन एडवांस है पुरुषार्थ अमृत बेला। अच्छा प्योरिटी, प्योरिटी के लिए मुरली में तो बाबा ने यही बोला, सुबह से लेकर के शाम तक दृष्टि से 10-20-50 भूले तो रोज ही करते होंगे। और बाबा कहते हैं जो कर्मेंद्रियों से भूले करते हो वो पोता में लिखो, पोता में लिख करके बाप को दो कि इस स्थान पर इस व्यक्ति के साथ ऐसे गंदे संबंध से हमारी दृष्टि गई। ऐसे चल रहा है क्या है? ऐसे ऐसे पोता मिल दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। तो दृष्टि के आधार पर हम एडवांस जा रहे हैं या नॉन एडवांस की लिस्ट में है? नॉन एडवांस। ऐसे ही कर्मेंद्रियों को देख लो, वाचा को देख लो। अगर हर तरीके से मन से वचन से कर्म से तन से धन से मन से हम नॉन एडवांस पार्ट बजा रहे हैं, श्रीमत के बरखिलाफ पार्ट बजा रहे हैं मोस्टली, तो हम एडवांस हैं। एडवांस पार्टी के कहे जाने चाहिए या अभी नॉन एडवांस पार्टी है? नॉन हैं, अंदर से जानते हैं कि हम नॉन एडवांस हैं, लेकिन जब दूसरों को कहेंगे क्या कहेंगे? हम तो एडवांस पार्टी हैं।
तो ये एक और पाप बन जाता है। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि एडवांस स्टेज अंत में होगी या अभी है, आपका प्रश्न क्या था? एडवांस पार्टी एडवांस स्टेज है, एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वो अंत में होगी या अभी है? अंत में एडवांस स्टेज होगी, जबकि ब्रह्मा तो क्या बनेगा? विष्णु बनेगा। तो ब्राह्मण तो भी देवता, ब्राह्मण तो भी देवता विष्णु बनेगी। अभी ना ब्रह्मा तो विष्णु की स्टेज पर है और न ब्राह्मण देवता की स्टेज पर। और बाबा अरे आवेदन से भी सुन लेने बाबा वो 69 की अव्यक्त वाणी है 22/1/69। आप तारीख बारीख मत सुना, ये बात बताइए। उसमें एक लाइन है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों साथ बैठे थे, यानी सूक्ष्म बताना है, और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने भोग खिलाया है? दोनों ने एक साथ एक दूसरे को भोग खिलाया है। तो शिव बाबा फिर सूक्ष्म बतन में तो नहीं जाते, तो कैसे गए? माना शिव बाबा का जो प्रैक्टिकल में साकार सृष्टि पर पार्ट है वो संकल्पों की सूक्ष्म स्टेज में नहीं जाता है? संकल्पों की सूक्ष्म तो वो सूक्ष्म स्टेज बताइए, बाकी कोई ऊपर सूक्ष्म बतन नहीं, वो तो मुर्गियों में ही उड़ा दिया। सूक्ष्म बतन क्या है? कुछ भी नहीं, स्टेज की बात है। क्या बोले बाबा? उपयोग का वाणी जो दबा करके रखा है वो कब प्रत्यक्ष होगा? जब आप प्रत्यक्ष करने के लिए भाग दौड़ करेंगे। आपने कुछ भाग दौड़ शुरू की क्या है? अरे बाप की वाणी प्रत्यक्ष होगी तो बाप भी प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए स्वदेशी आगे आगे दौड़ते हैं या विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए दौड़ दौड़ करते हैं? कौन करते हैं है? आप देसी हैं कि विदेशी हैं? बताओ ना है? अच्छा पूरी मुंह से मुड़ा ली इसलिए आप स्वदेशी हैं। तो स्वदेशी तो बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते, नहीं करते, इसलिए आपको भाग दौड़ करने की दरकार है नहीं। पूछ रहे हैं, जवाब मिल गया कि नहीं है? मिल गया। चलो दुनिया में प्रॉपर्टी है नहीं, बाहर के दुनिया में प्रॉपर्टी नहीं बनाना है। प्रॉपर्टी है अभी मुरली में बोले ना। हाँ हाँ प्रॉपर्टी नहीं बनानी है बाहर के दुनिया में, प्रॉपर्टी नहीं बनाना। हाँ प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, भाड़ा घर में ही रहो, भाड़े के। हाँ किराए पर रहो, किराए पर मकान लेते जाओ और अपना ईश्वरीय सेवा का काम चलाते जाओ। हाँ तो इसका मतलब कि घर खरीद करके भरे घर में रहो, कैसे मतलब अपना प्रॉपर्टी नहीं बनाने के लिए? हाँ हाँ तो तुम भी ऐसा करो कि जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, क्या जो भी प्रॉपर्टी हो वो ईश्वरीय सेवा में लगा दी है, और ईश्वर से कहा कि थोड़ा सा हमको भी किराए पे दे दो तो तुम्हारा किराए का काम चलता रहेगा है? ओ, 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 मकान मालिक से रहम मांगते हो क्या है? थोड़ा किराया कम कर देना है? हम नहीं मांगते हैं बाबा। अच्छा अच्छा नहीं अभी मुरली में चला है प्रॉपर्टी, बाहर के दुनिया में प्रॉपर्टी मत बनाओ। हाँ ठीक है, भाड़ा ही घर में रहो। हाँ भाड़े के घर में रहो, तो रहो ना किराए के घर में। नहीं हुआ तो क्या प्रॉपर्टी नहीं कमाना चाहिए? प्रॉपर्टी अपने लिए स्वार्थ के लिए बनानी है या परमार्थ के लिए बनानी है? आपका लक्ष्य क्या है? अहम आद्यक्ष क्या है?
लोग की दुनिया में तो अपना भी कुछ काम पड़ता है ना बाबा। हाँ हाँ हाँ, किराए पे ले, तो किराए पे लेते जाओ, काम चलाते जाओ। है? अरे आजकल लोन भी जापान गवर्नमेंट 0% पर लोन दे देती है। देती है या नहीं? दे देती है। तो इंडिया तो ले रहा है लोन, बड़े बड़े प्लानिंग हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर तुमको भी कम किराए पर मिलता हो तो ले लेना, चिंता तुम्हारी दूर हुई कि नहीं। पहले दो तीन साल पहले बाबा मुरली में चलाए थे, तो जो परपति का पीछा पड़े हुए है उसका तकदीर फूटा हुआ है। तो हम लोग तो भी दिमाग में यही बात घूमने लगा था, हम लोग क्यों परपति के पीछे। वो तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात जो घूम रही है वो स्वार्थ के लिए ज्यादा घूम रही है या परमार्थ के लिए ज्यादा घूम रही है? इसमें तो थोड़ा सा अपना भी सकारत है ना बाबा, थोड़ा सा स्वार्थ है और थोड़े से गृहस्थी में तो सकारत और उस थोड़े से स्वार्थ को अगर ईश्वरीय मत पर मोल्ड कर दे किराए पर ही ले ले। तो उस टाइम में हम लोग का जो बगल में जो जो रहा था जैसे पास इज पास, वो पास का पोता मिल बड़ी सभा में मत बताओ। तो बाबा को लिख करके दे देना है। अभी वर्तमान और भविष्य की बात अच्छी करो बाबा। जो आदमी हुआ वो अंत में भी होगा बोला है, और शास्त्र का बात भी तेरी करने का तेरी करने की होगा। इसका मतलब 16,000 गोपिनी बोलता है, 16,000 मतलब सुनने सारे गोपिनी भी बोलता है शास्त्र में तो। अरे हिंदी अभी अभी क्या बोल जाती है। कृष्णा का गुप गोपिनी तो 16,000 कहता है ना बाबा शास्त्र में, लेकिन बाबा कहता है 16,000। बोले सौ गोपियाँ। हाँ 16,000 गुप गोपियाँ बोला नहीं शास्त्र में कहते हैं। शास्त्रों में तो कहीं नहीं कहते 1600 गोप गोपियाँ। शास्त्रों में भी नहीं कहते, मुरली में भी नहीं कहा 1600 गोप गोपियाँ, कोई गीत में भी नहीं है। वो 1600 दुनिया वालों की बात क्यों रिपीट करना, दुनिया वाले तो कुछ भी बोलेंगे। और मुरली में मिला है बाबा 44 साल से पढ़ाई पढ़ना है, 44 साल तक बाबा पढ़ाते हैं। हुआ शुरू हुआ 1976 से पढ़ाई शुरू हुआ, 1976 से पढ़ाई शुरू हुआ। अच्छा अभी तो हो गया 35 साल तो हो चुका है, है? तो बाकी है 8-9 साल, 35 साल हाँ अब बाकी है बाबा 8-9 साल 10 साल के है। चलो 35 में 10 और जोड़ दो 45 साल, 40-45 साल तुम्हारी पढ़ाई के हो जाएंगे नहीं पूरे? नहीं मेरे कहने का मतलब हाँ अभी बाकी 15-10 साल है। हाँ हाँ उसके बाद पढ़ाई खत्म हो गए बंद हो गए। पढ़ाई कौन सी मुख्य आत्मा है जिसके लिए पढ़ाई खास पढ़ाई जा रही है? अभी एक वाक्य बोला, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। तो वो कौन सी आत्मा है जिसके ऊपर बाबा की नजर सबसे ज्यादा लगी हुई है? कहाँ की सेवा में बाबा की बुद्धि ज्यादा लगी हुई है? अरे दुनिया की कोई है ऐसी जगह जहाँ की सेवा के ऊपर बाबा बेसिक में भी बहुत दबाव दिया? कराची छोड़ के जब माउंट आबू आए तो माउंट आबू की सेवा या अहमदाबाद में जो बंगला ढूंढने के लिए प्रयत्न किया वहां की सेवा के लिए दबाव नहीं दिया? कहाँ की सेवा के लिए ज्यादा दबाव दिया? माउंट आबू में रहते हुए भी दहली के ऊपर ज्यादा दबाव दिया। दुनिया का पहले से पहला सेवा केंद्र कहाँ खुला?
कम लगेगा, एडवांस में भी वो कमला नगर तो जड़ कमला नगर हुआ, जड़ मकानों का नाम है। दिल्ली भी जड़ भी होती है और दिल्ली जन भी होती है, तो दिल्ली में जो जड़ कमला नगर है चैतन्य कमला कमला भी होगी कोई है, तो उसकी सेवा पहले हुई या नहीं हुई है, हुई? बाबा ने उस सेवा के ऊपर ज्यादा दबाव दिया, अभी भी दबाव दे रहा बिल्ला और बाला के बारे है, बिल्ला और बाला भी शहरी के बारे में, बिल्ला शहरी बिल्ला जो सर्प ने डंक है, जो सर्प ने डंक किया है बिल्ला विषहरी का जो पूजा होता है, ज्ञान ज्ञान यहाँ नेपाल में कोई पूजा होती है खास, बिहार में, बिहार में पूजा होती है, क्या खास पूजा होती है, क्या चित्र दिखाते हैं उसमें है, सर्प ने डसा, किसको डसा, बालाखंडर नाम का राजकुमार तिहोला का पुत्र है, चांद सदागर के पुत्र थे बालाखंडर, किसी को भिजरी नाम का कोई देवी होता उसको उन सांप ने डसा, सती बिहुला की कथा है, सती बिहुला, सती बिहुला बिहुला तो बिहुला के पति को सांप ने डसा था, अच्छा कोई सती थी उसके पति को सर्प ने डसा, सर्प ने डसा, तो बाबा भी तो यही बताते बुरी हुए कि कृष्ण को किसने डसा, तो कृष्ण काला हो गया, कालिया नाग ने कृष्ण को डसा, और कृष्ण की पत्नी दुनिया की सबसे बड़ी सती है या नहीं है, है? अरे है ना, राधा दुनिया की सबसे बड़ी सती, सतीत्व वाली आत्मा है या नहीं है, हाँ? तो उसके पति को सर्प ने डसा, माने संगम युग में कोई ऐसा पार्ट बजाने वाली आत्मा होनी चाहिए प्रैक्टिकल स्टेज में जिसको कालिया नाग ने डस लिया, और वो ही कालिया नाग जिसने डस लिया जिसको वो ही फिर पांच फनों वाले सर्प के ऊपर क्या करता है, डांस करता है। तो भक्ति मार्ग में ये अजूबा गरूबा कथाएं जो चल रही है वो कहाँ की यादगार है, संगम की यादगार है। और बाबा उसने एक बात दिल्ली में जो पहले सहवाग पार्टी का शुरू हुई ना, है उसमें 1200 उसने ये कर दिए, इस तरह संगम में भी सती के ब्रह्मा सरस्वती संगम में भी गए, सती के राधा के साथ संगम के ब्रह्मा सरस्वती चेता राम के साथ ब्रह्मा संगम के तुम्हारे महादेव पार्वती 1200 पिता वहाँ पहले फर्स्ट में जो संविधान क्या बनाए थे बाबा जी को पिता के जो 1200 बुधा है ना 1200 नंबर है 1 2 3 4 करके श्रीमत से सरस्वती मनुष्य मस्ती दुर्गति ऐसे ऐसे करके 1200 से प्रथा पास ले लिया है, तो 12 क्यों क्या ऐसे 10 14 नहीं हुआ ना, कहाँ की बातें कर रहे हैं, दिल्ली के बाद शुरुआत में पहले शुरू में 77 में, हाँ क्या बात, हाँ उसने पहले 12 बुरे के बनाए है ना, क्या बात, 12 पॉइंट वाला कोई 12 पॉइंट का प्रस्ताव पास किया गया था ना, हाँ एडवांस के एडवांस पार्टी के बाहर है, सुनो नहीं बार है समाधान, बार है समाधान बताइए, 10 13 नहीं हुआ 12 हुआ बाबा, हाँ
अरे तेरे होते तुम कहते तेरा ही हुआ, चौथा क्यों नहीं हुआ? अरे नाक आगे है, आगे ही क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, ये नाक पीछे क्यों नहीं है? वो तो अगर 12 नहीं 11 ही होते पॉइंट तो भी तुम्हारा प्रश्न होता, 11 ही क्यों? नहीं नहीं बाबा, फिर जाकर के माओवादी भी राष्ट्र में जाकर दिल्ली में, क्योंकि दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं उनकी कैटेगरी कितने भागों में बांटी गई है? हाँ, दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, 500 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, 750 करोड़ हो, सबको कितनी कैटेगरी में विभाजित किया गया है? 12 राशियों। तो 12 राशियों में जो विभाजित किया गया है वो वहाँ एडवांस का जो मूल है वही 12 ही आत्माएं होंगी ना। उन 12 आत्मा दुनिया की सारी दुनिया समाई हुई है, बड़े से बड़े नक्षदेव भी उसमें मौजूद है और बड़े से बड़े अष्टदेव भी उसमें मौजूद है, बड़े से बड़े राइटियस भी उसमें मौजूद है, बड़े से बड़े लेफ्टियस भी उसमें मौजूद है। माने सारी दुनिया के बीज कितने हैं? 12। चलो बाबा, हाँ। एक कैसेट में बोला गया जो आदि में माँ काली जो है वो साथी बनती है या छाती पर पांव धरने वाली बनती है? छाती पर पांव रखेगी वो, तो छाती पर पांव रखने वाली बनती है। तो साथी बन करके पार्ट निभाती है या विरोधी बन के पार्ट निभाती है? विरोधी बनती है। वो महाकाल है तो वो महाकाली है। महाकाली का मन बुद्धि 2012 में जैसे 3 गलत, उसे महाकाली का मन बुद्धि भी 2012 में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी असुर का साथ दे रही है वैसे 2012 से देवता के साथ। दुनिया वालों ने ऐसी कैसेट निकाली है माया सभ्यता वाली, क्या 2012 में जो पृथ्वी है उसकी धुरी चेंज हो जाएगी। वो उन्होंने स्थूल पृथ्वी को माना है। अब ज्ञान के अनुसार तो 2012 में सारी दुनिया चेंज होने वाली, सारी पृथ्वी उलट पलट होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इसका मन बुद्धि चैतन्य पृथ्वी है जिसका नाम पृथ्वी प्रथुलाति इति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है उसका नाम है पृथ्वी माता, धरणी माता। तो कन्या माताओं को धरणी कहा जाता है ना। तो जो भी कन्या माताएं यज्ञ के अंदर है उन धरणी रूपी कन्या माताओं की अम्मा कौन है? जगदम्बा। वो जगदम्बा जो है वो पृथ्वी नामधारी साबित होती है या नहीं होती है? है? उस पृथ्वी पर सभी धर्म खंड पनप रहे हैं या नहीं पनप रहे हैं? है? सारी दुनिया वो पृथ्वी रूपी चैतन्य धरणी की गोद में राज्य करती है या नहीं करती है? करती है, है? करती है। बाबा जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो? अरे वो जिसने प्रश्न किया उसका समाधान हो गया। मैंने कहा उसका मन बुद्धि जैसे अभी असुर का साथ दे रही है महाकाली, उसे देवता के साथ देगी मन बुद्धि से। जब सारी दुनिया की अम्मा है तो सारी दुनिया में देवताएं भी आते हैं या असुर भी आते हैं? देवताएं भी हैं और असुर भी, तो देवताओं की भी अम्मा है तो असुरों की भी अम्मा है। तो सारी दुनिया की अम्मा है जगदम्बा है, सारे जगत की अम्मा है। तो सारे जगत की जो अम्मा है वो सब बच्चों को हाथ फिराएगी या कोई विशेष बच्चों को ही हाथ फिराएगी? चाहे आसुरी बच्चा हो, लूला लंगड़ा को ही काना को घी चोर डकैत लुच्चा लफंगा, उसको भी माँ अपनी गोद से अलग करना नहीं चाहती। और अच्छे से अच्छा बच्चा हो उसको भी माँ
अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहते, बल्कि छोटे बच्चे के ऊपर लगाव झुकाव ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा ही लगाव झुकाव होता है। तो प्रैक्टिकल में जो सब अम्माओं की अम्मा है वो ऐसा पार्ट बजा रही है कि नहीं बजा रही है? बजा रही है। जैसा उसने पार्ट बजाया वैसे दुनिया की आज सभी अम्मा पार्ट बजा रही है। जैसे वो माता कृष्ण बच्चे को अपना पति परमेश्वर मान करके बैठी हुई है और बाप को नहीं मानती परमेश्वर, प्रैक्टिकल ऐसा पार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा को पति परमेश्वर मान करके बैठी हुई है या प्रजापिता को पति परमेश्वर मान के बैठी हुई है? ब्रह्मा को, कृष्ण की वाली आत्मा को, महाकाली मस्तक पर धारण करके बैठती है, सर माथे पर मेरा बच्चा है। तो कृष्ण बच्चा जो है वो उस माता के लिए अभी पति परमेश्वर के रूप में है, वो समझती है कि वो ही मेरी रक्षा कर सकता है, मेरा भला वो ही एकमात्र कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जो मेरी सुरक्षा कर सके। ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है या नहीं है द्रौपदी के लिए? है। द्रौपदी ने उसको नाम रूप दिया कृष्ण का, लेकिन वास्तव में कृष्ण नहीं है, कौन है? द्रौपदियों की रक्षा करने वाला कृष्ण है या कोई और है? प्रैक्टिकल में साकार रूप में पति परमेश्वर बनने वाला कोई गीता पति भगवान कोई और है या कृष्णवादी आत्मा है? कोई और है बाबा, उस हाँ जी, मनुष्य आत्माओं को तो बाप सदर्शी करते हैं, क्या हाँ, एक जगदम्बा माता होती है उसको तो अपने सभी धर्म के बच्चों के ऊपर रहम आता है कि मेरे किसी भी धर्म के हैं लेकिन मेरी गोद के बच्चे हैं। लेकिन कोई ऐसी भी माता भी तो हो सकती है जो मनुष्य, सभी मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, जो और धर्म की और धर्म की धारणाओं के ध्यान पर आती ही नहीं, जिनका कोई धर्म ही नहीं होता, ऐसी आत्माओं के लिए भी रहम की दृष्टि रखती है। सुन लो पहले पूरा, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये भी आत्माएं हैं या नहीं है? है? ये भी आत्माएं, तो ये पशु पक्षी पतंगे इनकी सदगति कौन करेंगे? बाप भगवान तो मनुष्यों की सदगति करता है, माता को बड़ा रहम आता है, ये, हाँ ये 84 जन्म में ये मनुष्य तो मेरे बच्चे बने, माताओं को रहम आता है ना कि मनुष्य आत्मा जो मेरी गोद के बच्चे बने, चलो ठीक है। लेकिन ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भले ये मेरी गोद के बच्चे तो नहीं है, है या नहीं है? है? हाँ, तो इनके ऊपर रहम नहीं करना चाहिए भगवान को? है, इनके ऊपर ही रहम करना चाहिए, भगवान इनके ऊपर बेरहम क्यों बनता है? है, इनकी सदगति कैसे होगी? है, ये सब परमधाम जाएंगे ऊंची स्टेज में या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाएंगे तो क्यों जाएंगे? है? और जाएंगे तो कैसे जाएंगे? उसका हिसाब ये है कि जितने भी प्राणी मात्र हैं उन प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी मनुष्य होता है या जानवर कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि होते हैं? मनुष्यों को बुद्धि होती है और प्राणियों को बुद्धि, उनकी बिंदु रूप आत्मा तो है
लेकिन उस बिंद रूप आत्मा में बुद्धि जो मनुष्य में होती है, समझने सोचने लायक, संकल्प करने लायक, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ऐसी बुद्धि उन प्राणियों में नहीं होती है। वाचा उन प्राणियों में नहीं होती है। इतनी इंद्रियां जितनी मनुष्यों में होती हैं, उतनी इंद्रियां दूसरे प्राणियों में नहीं होती। सबसे जास्ती सुखी और सबसे जास्ती दुखी वही हो सकता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां हैं। तो कौन है? मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां हैं, इसलिए बहुत दुखी भी होता है और बहुत सुखी भी होता है। लेकिन और प्राणियों में इतनी इंद्रियां नहीं है और साथ साथ मन बुद्धि भी नहीं है। तो भगवान दुनिया को पलटने के लिए किसको राइट हैंड बनाए, आप बताओ, जिसने प्रश्न किया है। ये प्रश्न किया ना, जिस माता ने भी प्रश्न किया वो ये जवाब दे। जगदम्बा को राइट हैंड बनाए। दुनिया को पलटने के लिए ब्रह्मा बाबा को राइट हैंड बनाए शिव बाबा, क्योंकि जगदम्बा में बुद्धि बहुत होती है। कितनी बुद्धि होती है? मुरली में बोला, मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ रहने वाले, क्या लंबे समय तक मेरा साथ रहते हैं और फिर भी मेरे को नहीं पहचान पाते। कितनी बुद्धि है बेटा, है ना? माता प्रेफरेंस दे रही है। कैसी बुद्धि वालों को? राइट हैंड वही तो होता है जो पहले पहचाने और बाद में भूल लो। जितने भी विधर्मी है भारतवर्ष के रहने वाली जो आत्माएं जो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है वो सब राइट हैंड है भगवान की, क्या? और जो भारतवासी है जो भगवान के साथ ही रहने वाले हैं, कीमत पर ही चलने वाले हैं सूर्यवंशी, क्या वो लेफ्ट हैंड होने चाहिए? आपने सही बात बताई। देखो शंकर वाली आत्मा जिसको तीसरा नेत्र, सूर्य नेत्र कहते हैं ना, शिव नेत्र कहते हैं ना, वो लेफ्ट हैंड में बैठा है या राइट हैंड में बैठा है? वो लेफ्ट हैंड में बैठा है। अब ब्रह्मा वाली आत्मा राइट हैंड में बैठी। तो माता तो सही बात बता रही है, सही बात बता रही है कि झूठी बात बता, गलत बात बता रही है? जब सुप्रीम सोल इस धरती पर आता है तो राइट हैंड किसको बनाता है? है? अरे अभी तो बोला कि धर्मराज है मेरा राइट हैंड, तो खुद क्या हो गए? लेफ्ट हैंड हो गए। अगर राइट हैंड नहीं है तो जगदम्बा जब छाती पर पांव रखती है तो पांव पकड़ के फेंक क्यों नहीं देते? आराम से चैन की नींद सोते रहते हैं, ऐसे क्यों? जगदम्बा को भी तो बाबा ही तो प्रत्यक्ष करते हैं, बाबा ही तो प्रत्यक्ष करते हैं। क्या करते हैं? बाबा तो प्रत्यक्ष करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, बाबा तो करते हैं, माता ली को तो बाबा ही करते हैं। तो जो राइट हैंड है उसको प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए? और आप सब ऐसा ही पार्ट बजाना। बाबा ने बोला तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो। किसकी भुजाएं हो? अरे जब माया आखिरी पेपर लेगी, माया आखिरी पेपर सबसे बड़ा पेपर फाइनल पेपर लेगी या नहीं लेगी? लेगी। वो पेपर सबकी बुद्धि को घुमाने वाला होगा या नहीं होगा? होगा। और अभी तक तो जितने पेपर लेती रही माया उसमें प्रकृति माता तो उसका साथ नहीं दे रही थी, और अभी तो प्रकृति माता से हाथ मिला लिया माया ने, किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति माता, धरणी माता से हाथ मिला लिया।
तो अभी तो उसकी ताकत एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? ग्यारह जैसी ग्यारह गुनी ताकत हो गई। तो अभी जो फाइनल पेपर लेगी वो छोटा मोटा पेपर होगा या बहुत बड़ा पेपर होगा? फाइनल पेपर है माताओं से ज्यादा लेगी, माता ज्यादा भाइयों से नहीं लेगी? नहीं होता तो दोनों है लेकिन माताओं में विशेष रूप से। क्या वो नष्ट हुआ बनना माताओं के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल काम है माताओं को कठिन से सहज करने के लिए माताओं के लिए बाप आते हैं? नहीं तो बाप का सहारा लेकर तो वो नष्ट हुआ बन जाएगा। तो जब बाप आते ही है माताओं के लिए खास, तो माताओं को तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि हम तो कठिन है। नहीं नहीं पेपर तो कठिन है ना बाबा, भले वो पेपर कठिन है लेकिन भगवान तो सहयोगी है ना माताओं का, असाध्य तो है नहीं ना। हाँ, माताओं का सहयोगी है इसलिए वो सहज हो जाता है, सहज हो जाएगा। भाइयों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और फिर हाँ ये कह सकते हैं कि एडवांस पार्टी में माताएं भी क्या है? स्वभाव संस्कार से पुरुष हैं, पुरुष हैं। तो स्वभाव संस्कार से पुरुष होने के कारण पेपर को कठिन बनाए सकती है। इसलिए बोला है कि तुम सब जगदम्बा की भुजाएं हो। जगदम्बा की भुजाएं बनना है। जैसा जगदम्बा पार्ट बजाएगी, जगदम्बा को देख देख करके जो जो निकली है वो जगदम्बा जैसा ही पार्ट बजाएंगी, कोई दूसरा पार्ट बजाएंगी? कैसा पार्ट बजाएंगे? जगदम्बा जैसा ही पार्ट बजाएंगे। जगदम्बा को आदर्श मान लेंगे सब ना, जगदम्बा को आदर्श मान लेंगे तो जगदम्बा जैसा पार्ट बजाएंगे। अच्छा, वर्तमान ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जगदम्बा आदर्श नहीं है आपके लिए? फिर पूछा जाए कौन है? अगर भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कौन है बता? अगर नहीं बताते लेफ्टिस्ट है बाबा, लेफ्टिस्ट कौन? शंकर। लेकिन फॉलो नहीं करना है शंकर को। हम माता की बात पूछ रहे हैं, माताओं के बीच में लक्ष्मी भी तो है ना? लक्ष्मी नहीं है अभी, है मौजूद? नहीं अभी, अभी ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी पालना कर रही है? आई तो नहीं है वो, आई थी ना। जो चीज है ही नहीं उसका नाम क्यों ले रही है? जो प्रैक्टिकल में हो उसका नाम लेना चाहिए, या जो जिसका नाम निशान ही नहीं है, जिसके लिए बाबा ने बोला है आवाहन करो, जैसे करके आवाहन करते ब्रह्मा बाबा आ जाओ, तो नहीं है तभी तो आ जाओ। या एडवांस पार्टी में वो छोटी मम्मी है ही नहीं? छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी मिलेगी कोई पार्ट ऐसा भी सर? कहेंगे नहीं, वर्तमान की बात बताओ, वर्तमान में आपके लिए आदर्श कौन है? वर्तमान में आदर्श नारायण। वो और बना दिया उसको। अरे इतना बड़ा परिवार है तो परिवार की पालना करने वाली कोई माता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नारायण पालना कर रही है अभी, ब्रह्मा को आदर्श मान लिया। ब्रह्मा है मौजूद अभी? नहीं है। ब्रह्मा कहाँ है? वो तो महाकाली में पार्ट, महाकाली में पार्ट बजाने वाले। हाँ तो कौन है आपके लिए आदर्श? काम तो फिर तो वही नारायण ही। नारायण को स्त्री बना दिया? माता। अरे अभी ब्राह्मण परिवार में माता कोई है पालना करने वाली, निमित्त पालना करने वाली साकार में कोई माता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टाइम बताने लगे। समाधान नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। चलो आप बता देते, जगदम्बा है धरणी, क्या जगदम्बा है धरणी पृथ्वी? एक कथा आती है शास्त्रों में कि हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी को पाताल में ले गया और डुबो दिया, डुबो दिया ना, गड्ढे में चली गई। उसके द्वारा तो नई दुनिया की स्थापना हो सकती है या नहीं? जो गड्ढे में चली गई स्थापना, वो तो कैसे होगी? खुली गड्ढे में चली गई, तो वो तो निमित्त नहीं कही जा सकती। अच्छा। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में पालना करने वाली तो वही बात।
फिर समस्या वही बात आ गई। वही बात आई ना। हाँ वही बात आई ना है? कि हम तेरे आदर्श माता किसको माने, किसको माने? तो शास्त्रों में ये बात दिखाई गई है, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में लेके जा रहा था तो उसमें से पृथ्वी का एक हिस्सा काशी नगरी छिटक गई। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि जो मरे अगर मरते समय काशी में मरेगा जाके, जीते जी मरने की बात है ना, तो काशी में जाकर के अगर मरेगा, काशी के संगठन में मरेगा, किससे मरेगा? देह के संबंधियों से मर जाए है? वो देह के संबंधी बुलाते रहे, आ जाओ, हमें नहीं चाहिए, तो हम नरक में खींच रहे हैं, हम काशी में मरेंगे तुम्हारे पास आ जाए तुम्हारी गोद में, कहीं वहाँ मर गए तो हम तो नरक में चले जाएंगे। तो लौकिक दुनिया वालों से उनको कोई मोह नहीं है, तो वो काशी नगरी के बाकी हुए ना है, उनको अगर फोन घर वाले करें तो उनके क्या कहाँ फोन आ गया, नरक वाले हमको फोन करके खींच रहे हैं, तो फोन भी नहीं करना चाहते, मिलना भी नहीं चाहते है, आना जाना भी, घर वाले अगर आकर के मिलना चाहें तो भी उनसे मिलते नहीं, आता पता कहीं है ही नहीं। तो काशी नगरी जो है वो पृथ्वी से अलग हो गई। वो काशी नगरी कहते हैं शास्त्रों में शंकर को अति प्रिय है, क्या है तो रुद्रमाला का मणका, लेकिन और जो रुद्रमाला के मणके स्त्री चोले है वो उतने प्रिय नहीं है, लेकिन काशी नगरी स्त्री चोला है या पुरुष चोला? नगरी है, स्त्री चोला है तो बहुत प्रिय है। वो प्रिय होने के कारण शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है, क्या आधा स्त्री चोला आधा पुरुष चोला, माना वो पार्ट ऐसा है कि रुद्रमाला का मणका स्त्री चोला होते हुए भी आदि से लेकर के अंत तक बाप का सहयोगी बन करके रहता है, इसलिए काशी नगरी बाप को बहुत पसंद है। तो आदर्श वास्तव में कौन होना चाहिए? काशी। रुद्रमाला के अगर हम मणके हैं तो हमारा आदर्श होना चाहिए कि हम काशी नगरी में मरे। तो बाबा बेहद का काशी तो कैंसिल है। अरे बेहद का ना काशी जब कैंसिल होगा, जिसका नाम है बनारस ज्ञान का रथ बना, तो उस समय वो काशी नगरी कंपिल में आके ऐड हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी? हाँ तो ऐड हो जाती है। हाँ जब गड्ढे में जाती है तो काशी नगरी अलग हो जाती है। चलो अब अच्छी शूटिंग हो जाएगी। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।